झांसी के गोरसराय में सभी वार्ड सदस्यों द्वारा पानी की किल्लत को देखते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके दो दिन बीतने के बाद भी किसी अधिकारी ने पार्षदों की सुध लेने की जहमत नहीं उठाई। जल संस्थान द्वारा नगर में करीब 3 सप्ताह से नगर की ध्वस्त पड़ी जल आपूर्ति को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की। इसको लेकर जल संस्थान पर पार्षद अनशन करने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ की जनता पानी के लिए तरस रही थी, मगर जल संस्थान के आला अधिकारियों द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद सभी वार्ड मेंबर मजबूर होकर जल संस्थान पर धरने पर बैठ गए थे। धरना प्रदर्शन हमारे नगर की पेयजल आपूर्ति की समस्या को लेकर लिया जा रहा है ये धरना, और ये समस्या जो है ये इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है नगर में। आप देखिए, नगर में पाइपलाइन टूटी पड़ी हुई है, हैंडपम्प खराब पड़े हुए हैं। वहीं जय ने बताया कि उनके पास कोई शिकायत ही नहीं आई, जबकि पूरे नगर में कई दिनों से पेयजल के लिए लोग परेशान थे। हालांकि पेयजल की समस्या दूर हो गई है। भैया, अभी जो भी पार्षद यहाँ पर धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, ना इनकी तरफ से ना इनकी कोई मुझे मांग पत्र मिली है, क्या इनकी डिमांड है, क्या इनकी समस्या है, ना मुझे इनकी तरफ से कोई जानकारी मिली है, ना अभी प्रशासन की तरफ से मुझे। शायद इन्होंने SDM साहब को एक लेटर के द्वारा सूचित किया है, मैं SDM सर के यहाँ से भी कोई सूचना नहीं आई है, इसलिए हम इनके जैसे इनकी समस्या है कि पानी की सप्लाई नहीं हो रही। तो आपके नज़र में क्या पानी की सप्लाई हो रही है? जी नहीं, पानी हमारे 7 दिन से टूटता थप थी, जो कल रात को हम लोगों ने सुधार लिया है और आज सुबह से सप्लाई शुरू हो गई है। न्यूज़ बीके के लिए कुरसराय से विकास पिदुआ की रिपोर्ट।